इतनी परेशानी है मच्छर में चतराए और उसको जाने कितनी गते हो। जो हमने जा भी पूछे हमने कहा नहीं बन सका है। तुम्हारा घर में पत्नी नहीं है। अच्छा तो हमने की पत्नी नहीं है तो हमारी झोपड़ी में सही डे है बस इतनी कह दी थी तो तुम्हारी बंद तोड़ तो कह दी थे सब काम करेंगे हम मन फिर नहीं कराते। अच्छा तो जीत कर शुरू हो जा तो फिर नहीं कराते फिर वो इंसान को टैक्स की बात वो थी टैक्स भरो आप लोगों को भी टैक्स करना पड़ता है। जैसे के जिंदा बन जाती सुबह में अपने चले जाते काका एक विकासशील भारत की तस्वीर वैश्विक महाशक्ति की बनने की ओर अग्रसर भारत की तस्वीर और इसी झोपड़ी में भारत विश्वगुरु भी बन जाएगा कुछ दिन में। क्या दिक्कत है आपको कब से आप इस झोपड़ी में रहते हैं? हाँ कब से रहते हैं? रहते हैं इस झोपड़ी में जी तो हम बहुत दिन हो महीने कितने साल है हमें कम से कम इतना 20-22 साल 20-22 का आपको यहाँ पर से तो 20-22 साल में यहाँ इतने विधायक हुए होंगे मुख्यमंत्री भी लगभग एक ही पार्टी के यहाँ पे 15-20 सालों से हैं उसके बावजूद राहतगढ़ का विकास क्यों नहीं हुआ? साबित भी तो बड़े बड़े लोग बहुत विकास बड़े लोग तो अपना विकास खुद कर लेते हैं और बड़े लोग टैक्स देते हैं सरकारों को ताकि आप जैसे गरीब लोगों का भी विकास हो। अगर भी देते तो आज झोपड़ी पड़ी थोड़ी थी। बड़े लोग तो देते हैं सरकारों को टैक्स मनो ये जो कर्मचारी है जेल लोग ने अगर कोई 10 लाख कमाता है तो 3 लाख रुपए टैक्स देता है आपको पता है ताकि आप जैसे गरीब इस झोपड़ी में ना रहे कि कभी गिर जाए और आप लोगों की मृत्यु हो जाए। बिल्कुल अपना कर्म और आ जाओ हमारे कोई है याद रखता है आपको किसकी गलती है कि आपको अभी भी ऐसी झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है? क्या करें आप एक नगर पंचायत के अंदर रहते हैं राहतगढ़ तहसील जो है तहसील प्रांगण से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे आपकी ये झोपड़ी गिरफ तो गया हुआ है। या आज तक कभी कोई यहाँ पे देखने नहीं आया? आप कहीं गए किसी से विनती करने कि हमको हमारा घर दे दो? गए पार्षद नगरपाल का भी गए दो भी तीन भी मानो लिखा पढ़ी भी करके दे आए मन कोई सुन क्या बोलते हैं जब आप जाकिर दे के तुम्हारी नहीं बन सके। कभी आपने पूछा क्यों नहीं बनेगी? जो हमने जा भी पूछे हमने कहा नहीं बन सका तुम्हारा घर में पत्नी नहीं है। अच्छा तो हमने की पत्नी नहीं है तो हमारी झोपड़ी में सही डे है बस इतनी कह दी थी तुम्हारी बनती नहीं। अच्छा आपकी पत्नी है लेकिन आपके साथ नहीं रहती? नहीं वो तो खत्म हो गई। अच्छा अभी जैसे आपके पड़ोसी हैं कुशवाहा जी उनके यहाँ तो पत्नी भी है पूरा परिवार है 10 से 12 सदस्य हैं उनके घर में और उनको कुछ कह के बोलते हैं कि नहीं आप बताओ आपको क्या जवाब देते हैं नगर निगम के कर्मचारी? सर यही बोल देते हैं जाओ हो जाएगा ये टैक्स भर दो और हम टीम भेजाएंगे और कोई टीम भेजा आज तक ना कोई टीम देखने आई ना हम लोग कैसे नहीं रहे जब तो हम आप लोगों से फिर आप लोगों से को लेके आए क्या करें। अभी आपको बताते हैं आपके पास पत्नी नहीं है उनको कुछ और चीजें बताते हैं। क्या लगता है कि सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को किस लिए रखा हुआ है? अब हम तो कुछ कह नहीं सकते महाराज तो कौन कहेगा फिर अगर आप नहीं कहेंगे तो अब जो कुछ कहने के लिए तो कहते हैं उसे भी जाते हैं वैसे भी जाते। अच्छा आप लोग अलग अलग जाते हैं कि इकट्ठे होके जाते हैं सबके जिनके मकान नहीं है आवास योजना का लाभ जिनको नहीं मिला सब साथ में जाते हैं क्या अकेले कहने जाते हैं? सर साथ में भी जाते हैं अकेले भी जाते हैं और साथ भी जाते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आप बुजुर्ग हैं यहाँ से आपके जो विधायक है गोविंद सिंह राजपूत कई बार विधायक रहे हैं अभी मंत्री भी हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं क्या कारण है कि अभी तक राहतगढ़ का विकास नहीं हो पाया और उनका विकास काफी हुआ है जिस तरीके से मैंने उनके बारे में सुना है वो बहुत सामान्य परिवार से आते हैं और सामान्य परिवार से एक कैबिनेट मिनिस्टर तक की उनका जो विकास हुआ है वैसा विकास उनको वोट देने वाले लोगों का क्यों नहीं हुआ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब वो वोट तो नहीं खुल दे रहे वो दे दिया है मनो जय क्या देख रहे पूछे तुम चिंता ना करो पूछे चिंता तो मनो देता ही अब वो धोध में 2-3 सालों हो गई अभी तक नहीं पूछ। अच्छा ये बताइए जैसे अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था कांटे की टक्कर थी तो
कभी कोई गोविंद सिंह राजपूत या कांग्रेस के जो टिकट में थे पारुल साहू, वो कभी आए आप लोगों के इस साइड में वोट मांगने? नहीं नहीं आए। कितनी बार आए? बहुत बार आए। घर घर फरी है। अच्छा, जो तुम कह रहे हो वो हो जाएगा। लेकिन जब बन जाते हैं तो आज तक नहीं आते हैं। इंसान की खबर थी क्या बोलते हैं कि वोट अगर चाहे तो तुम्हारी पूरी व्यवस्था हम बना दे, तुम्हें दुखी अलग कर दे, तुम्हारा जो दिल में दुख है पूरा अलग कर दे, वोट हम इनको दे जो मन। तो ये तो एक तरह से वादा खिलाफी हो गई है ना? हाँ। नहीं तोड़ तो कह देते हैं कि सब काम करेंगे हम, मन फिर नहीं कराते। अच्छा, जो जीत के शुरू हो जात तो फिर नहीं कराते फिर वो इंसान को। अच्छा, हम भी देखे, हम भी देखे क्या उतना का कह रहे थे हाथ जोड़ के, अब तो तुम्हारे हाथ ही नहीं जोड़ रहा है। तो कह दिया अब तो साहब बन गए, अब साहब में तो बन गए ऊपर के। सो का कहते, अरे भाई अब कर दे, हमने की अंदा को आप वोट खुआना तो फिर हम तुम्हें जवाब देना। अच्छा, हाँ फिर जाके कहा तुम घर घर और हम अब नहीं करो तो फिर उत्तर दे दे हम। और क्या देना पड़ेगा? देने पड़ेगा, वो का सवाल है तो उत्तर के बाद हम तुम्हें खींच भी दे। और क्या, कुर्सी में आप लोगों ने ही बिठाया है और चुनाव हर 5 सालों में होते हैं भारत देश में। हाँ तो, और भारत देश का जो संविधान बना है इसीलिए, नहीं तो राजा रजवाड़ का जमाना था तो एक राजा जिंदगी भर राज करता था। अभी गुलाम प्रथा खत्म हो चुकी है, आप लोग मालिक हैं और जितने भी नेता जितने भी नौकर साह हैं सब नौकर हैं आप लोगों के, आप लोगों ने चुना है। चुना के बावजूद आप लोगों की ये दयनीय स्थिति है ना? तुम तो हमारी टपरिया देख ले, आपकी टपरिया हम देखेंगे ना, इससे पहले हम ये बाबा जी हमको बुला के लाए हैं, हम इनकी टपरिया एक बार देखना चाहेंगे अंदर से। हाँ देख लीजिए बाबा जी, दोबारा बाबा जी कभी सांप बिच्छू वगैरह नहीं आते यहाँ पे? अच्छा, बहुत खतरा है, बड़ी दोनी स्थिति है। अंदर एक बार दिखा दो बाबा जी का कमरा। नहीं थी हमारे खिलाफ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जब तक आप डरेंगे ना, घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये समस्याएं बनी रहेंगी। जिस दिन आप सब खड़े हो जाएंगे ना एक साथ दरबार में बैठ जाएंगे तो उस दिन गोविंद सिंह राजपूत को यहाँ राजगढ़ में चल के आना पड़ेगा और आप लोगों को माताहत का आलाम दिलवाना पड़ेगा। दिलवाना पड़ेगा, अपने हक के लिए लगाना। देखो वे बड़े बड़े आत्मों की आपने राय तो बड़ी है, हम आज बहुत बड़े साहब था है मेरे बात के लिए रात को भी दिया क्या हम ना ये दाल ना बोले कि हाँ यार दिया नसराई क्यों ना नहीं इसी स्टेडियम जी कॉलेज के मन स्टेडियम की स्थापना की तो हमने उनको हाथ में दिया, सुनो जब हो जाएगा। और उनने वो हमारा फार्म लेके घर का आवास का, और वो सीएम साहब है नगर पालिका में उनको दे दिया, आज तक ना कोई देखने आया, बिल्कुल सुना ही नहीं कर ना। अरे जाते हैं तो टैक्स की बात वो थी, टैक्स भरो आप लोगों को भी चार्ज करना पड़ता है जी, वो तो सब फिर तीस का टैक्स भरे और आज तक कोई देखने तक नहीं। उतर जाओ तो बोल देते हम देखने गए थे, ये हकीकत बात है, हो जाएगा। अब कब हो जाए, अब क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी जी को जानते हैं? कौन है? दिल्ली में बैठे हैं। अच्छा, दिल्ली में बैठे हैं, क्या करने के लिए बैठे हैं मोदी जी? सबकी लाने विकास के लाने में, विकास के। कुछ टीवी देखते होंगे, न्यूज खबरें देखते हैं? हमें अदानी टीवी जब घर भेजने जाते हो, गरीबों के लिए क्या क्या कर रहे हैं आपको कैसे पता चलता है? अब वही तो पता, टीवी हो तो सब पता होता है, अब टीवी नहीं है तो बाहर पता चलता। अच्छा, तो ये बताइए जैसे आस्था तो विकास नहीं हुआ 20 सालों से, आपकी झोपड़ी ऐसी की ऐसी है। और आप धीरे धीरे आपकी उम्र भी होती जा रही है, है ना? तो ऐसे में आज तक विकास का ना हो पाना क्या दर्शाता है? अब जैसे कि जिंदा बन जाती इस वजह में अपने चले जाते काकन। तो ये है हमारे देश की हकीकत और ये है मध्य प्रदेश की हकीकत, उस जगह की हकीकत जहाँ के लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर तक को जिताया है, कई बार गोविंद सिंह राजपूत को इन लोगों ने जिताया है, उसके बावजूद इनकी जो दयनीय स्थिति है
मैं चाहूँगा कि दर्शक कुछ ईमानदार कर्मचारी और भोपाल में बैठे हुए जिम्मेदार लोग इस वीडियो को अगर देखें तो इस पर तुरंत कार्यवाही करें और इन गरीबों को उनका हक दिलाएं, जिसके लिए दुनिया अपने देश के पैसे वाले लोग अपना 30% कमाई का टैक्स देते हैं, वो इन गरीबों के लिए देते हैं, ना कि नेताओं को, कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की कमाई से अपना घर परिवार भरने के लिए देते हैं। आपके लिए हम टैक्स देते हैं।